चुनाव के मौसम में मोदी की रैली से ऐन पहले ये रकम किस लिए लाई जा रही थी, इसका अंदाजा तो कोई भी लगा सकता है। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद सिर्फ पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज एक खबर मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, आप लोगों को पता है कि चुनाव का माहौल चालू है ये, और ये भरतपुर के बहादुर सिंह कोहली ये भाजपा सांसद हैं, और इनके जमाने आप सुनिएगा कि एक इन्होंने खुद मतलब ये चीज कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो है पैसा भेजते हैं यहाँ लोगों को बांटने के लिए और भीड़ जमाने के लिए। तो आप खुद देख सकते हो इतनी रकम से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ किस तरीके से ये भाजपा जो है किस तरीके से लोगों को पैसा दे दे के और भीड़ जमा कर रही है, और भीड़ पैसा देने के बाद भी जमा नहीं हो रही है, क्योंकि भाजपा जो है इतना अपनी किरदार जो थी उनकी इतना खत्म कर दी है इस चुनाव के माहौल से, और अपने आप को इतना गिरा दी है कि आज चाहे वो पुलवामा हमला हो, चाहे हमारे जवान शहीद हुए हों, हर चीज पे राजनीतिक भाजपा कर रही है। और इससे इन पैसों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ किस तरीके से भाजपा जो है अपने आप को इतना गिरा दी है कि शायद छोटे छोटे बच्चों के दिल में भी भाजपा के लिए नफरत भरी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये भाजपा का एक रैली भी थी, और रैली के अंदर आप पूरी कुर्सियां खाली है, एक पब्लिक भी नहीं है रैली के अंदर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाजपा के लिए कितना पब्लिक के अंदर, एक लोगों के अंदर, एक आवाम के अंदर कितना गुस्सा है और कितनी नफरत है। और आप सुनिए बहादुर सिंह कोहली को कि किस तरीके से जो है ये बता रहे, ये खुद अपने मुंह से इस चीज के बारे में बता रहे। कहीं भी कोई भी सवाल चाहे मोदी की हो, कहीं भी हो रही है, सब जिम्मेदारी होती है, यानी गाड़ी वोड़ी लगाने पड़ते हैं, जनता आती है। आजकल वो गया पैटर्न, आज 25 साल 30 साल 40 साल पहले जो इंदिरा गांधी के अटल जी के भाषणों को सुनने के लिए आते थे, अब तो लाने पड़ते हैं हर जगह जहां भी सभा होती है। जैसे प्रधानमंत्री जी के यहाँ विधानसभा में आए थे तो उनके लाने के लिए हर विधानसभा में तुम आपके 10-10 लाख रूपये दिए थे। कुल मिला के एक विधानसभा में 10 लाख रूपये खर्च होते हैं, एक विधानसभा में 10 लाख रूपये खर्च होते हैं। यानी जो सभा होती है, जहाँ सभा हुई है प्रधानमंत्री जी की हुई है, अमित शाह की हुई बड़ी सभा, अब लेने छोटे नेता की हुई वो विधानसभा विधानसभा हो जाती है। पार्टी से कितने फंड मिलते हैं आप लोग चुनाव लड़ने के? यानी पार्टी से मिलता है, कहते एक तो एक नंबर का पैसा मिलता है, यानी आपके एक एमपी को 50 लाख रूपये का खर्चा खर्च है। ये मैंने की पार्टी से मिलता है, सेंट्रल पार्टी से। तो ये 50 लाख कैश मिलता है, चेक मिलता है, वो खाते में आता है। दूसरा बाकी फिर दे देते 50 लाख रूपये, 1 करोड़ रूपये का ही मिल जाता है। वो कैसे मिलता है? वो कैसे मिलता है? दो नंबर नहीं, मतलब कि 50 लाख रूपये का चेक मिलता है और उसके अलावा 50 लाख रूपये कैश मिलता है। मैं राघव मशेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।